Hi guys, welcome back to another reaction video. So joined by my beautiful wife. ये ऐसे कर दी थी तो I have to say it, bro. Yes, अगर मैं नहीं दिला देती हूँ ना, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर टांग टांग ढंग से बैठो, ढंग से बैठो. अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो like disrespectful. Okay, it is fine, but so let's start the video. Part 7. आप सबने नहीं देखा था होगा. Part 7. कल नहीं part 10. कल हम बात किया था फर्स्ट वॉर जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे जो कि उन कबीलों में हुई थी. लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. आज मोस्ट प्रोबेबली आगे समझ आएगा. पार्ट 10 पहले ये सारे पार्ट आप देख सकते हो मेरे चैनल पे अवेलेबल है एंड इनके चैनल पे भी अवेलेबल है. स्टार्ट वीडियो ऑफ कोर्स. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे. अल्लाह हम लोगों को ऐसे ही खुश रखे. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है, ये उसका दसवां हिस्सा यानी पार्ट 10 है. वी विल बी गेटिंग 11th पार्ट टुमारो एंड लेट अस सी हाउ द हैंड्स गो. ऐसे करेंगे. थोड़ा हम रीकैप कर लेते हैं. शी गॉट अ पॉइंट. नवे हिस्से में क्या सुना? हमने नवे हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बच्चों के साथ नहीं खेलते थे बल्कि तन्हाई में ज्यादा वक्त गुजारा करते थे. ये पूरा कल का मुझे पूरा याद है. करने वाले पर ये मुझे कल का पूरा याद है. सब कबीलों के लोग यानी दूसरे मुल्कों के भी और आसपास के कबीलों के लोग भी आते थे और अपना धंधा कारोबार अपना व्यवहार किया करते थे. उसी मेले में लोग जत्थे और ग्रुप्स बनाकर बैठा करते थे और अपना अपने खानदान वालों का अपने बाप दादाओं के तारीफों पर अशआर और पोइट्रीज कहा करते थे और इन्हीं बड़ाइयों के चक्कर में झगड़े और लड़ाइयां भी हो जाया करती थी और यहां तक के कभी कभी जंगे भी हो जाया करती थी. एक मर्तबा इसी तरह उकास के मेले में ही एक झगड़ा हो गया जिसमें एक आदमी मारा गया और वहां से जंग शुरू हुई और जंग इतनी बढ़ गई कि जोश जोश में आकर उन्होंने कुरैश पर भी हमला कर दिया जो खुद मक्का के रहवासी थे. जो जिस बात को लेकर कुरैश को बहुत गुस्सा आया और उनको भी जंग करनी पड़ी, जंग लड़नी पड़ी. उसके बाद मामलात बहुत ज्यादा बढ़ते गए. फिर मक्का वालों ने और आसपास के कबीलों वालों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक अहदनामा बनाया जिसका नाम हल्फुल फजूल रखा गया, जिसमें यह तय किया गया कि अब बस बहुत जुल्म हो गया, बाहर से जुल्म नहीं सहा जाएगा बल्कि मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम को सजा दी जाएगी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. चलिए अब आगे सुनते हैं. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू तालिब के ही घर में रह रहे थे लेकिन अपना खर्च चचा अबू तालिब पर नहीं डालते थे बल्कि आपने एक कुरैशी ताजिर एक बिजनेसमैन साइद बिन साइद के साथ पार्टनरशिप कर रखी थी. चूंकि चचा अबू तालिब बहुत ही गरीब और मुफलिस आदमी थे, उनके औलाद भी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से तंगी में गुजारा होता था. एक दिन चचा अबू तालिब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि भतीजे तुम तो जानते हो कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास ना तो माल है ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ही कोई तिजारत है, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि एक तिजारती काफला एक बिजनेस टूर मुल्क शाम जा रहा है और खदीजा जो मक्का की बहुत बड़ी एक ताजिरा एक बिजनेस वूमन है वो लोगों को अपना माल देकर मुल्क शाम भेज रही है ताकि लोग वहां पर माल बेचे और उससे नफा कमाएं. अगर तुम जाना चाहोगे तो वो तो तुमको सबसे पहले भेजेंगे क्योंकि तुम्हारी नेकी शराफत और अमानतदारी के चर्चे उसने भी सुन रखे हैं. खदीजा की फैमिली उनकी बात हो रही राइट जो फर्स्ट बात थी उनकी बात. दिल नहीं चाहता कि मैं तुमको मुल्क शाम भेजूं क्योंकि मुझे यहूदियों से एजेंट से बहुत डर लगता है 15 साल के ऊपर. मगर भतीजे अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं तुम्हें मुल्क शाम भेजूं ताकि तुम कुछ कमा कर ला सको और हमारी तंगी कुछ दूर हो सके. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की इस ख्वाहिश पर राजी हो गए थे मगर ये कहा कि अगर वो मुझे बुलाए तो मैं जरूर जाऊंगा.
हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला एक बहुत बड़ी और मशहूर मालदार मगर शरीफ खातून थी। वो बेवा थी, उन्होंने दो शादियां की थी मगर दोनों शोहरों का इंतकाल हो गया था और उनकी तमाम शरीफ खातून थी। वो बेवा थी, उन्होंने खदीजा रजी अल्लाह तआला एक बहुत बड़ी और मशहूर मालदार मगर शरीफ खातून थी। वो बेवा थी, उन्होंने दो शादियां की थी मगर दोनों शोहरों का इंतकाल हो गया था और उनकी तमाम दौलत हजरत खदीजा को मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने शादी नहीं की और कारोबार में लग गई थी। ये मक्का के बहुत ऊंचे खानदान से थी लेकिन इस कदर पाकबाज और नेक खातून थी कि लोगों ने उन्हें ताहिरा यानी पाकबाज का लकब दे रखा था और इसी नाम से यानी ताहिरा नाम से ही पुकारा करते थे। हजरत खदीजा मालदारी और नेकी के साथ खूबसूरत और जहीन भी थी, जिसे आजकल लोग कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, जिसे कहा जाता है। उन सारी खूबियों की वो मालिक थी। इन सारी खूबियों की वजह से ही मक्का के तमाम बड़े बड़े लोग और सरदार ये चाहते थे। अगर मैं बैक कैमरा करके दिखाऊं ना ब्यूटी विद ब्रेन, दोनों चीजें पता चल जाएगी। वो तो है काम कर रही है। हजरत खदीजा के साथ उनका निकाह हो जाए लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला साफ इनकार कर देती थी क्योंकि उन्होंने अभी शादी न करने का पक्का इरादा कर लिया था और वो अब सिर्फ अपने कारोबार में और अपने बिजनेस में ही ध्यान लगाती थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला लोगों को अपना माल देती थी और लोग वो माल ले जाकर मुल्क शाम में बेचते थे, तिजारत करते थे और जो कुछ नफा होता था उसमें से कुछ नफा जो पहले से फिक्स होता था, मुकर्रर होता था, तय होता था, वो लोगों को दे देती थी। इस साल भी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला लोगों को अपना माल देकर मुल्क शाम भेज रही थी। जब ये बात अबू तालिब चचा अबू तालिब को पता चली तो उन्होंने हुजूर से आकर कहा। हुजूर इस बात पर तैयार भी हो गए लेकिन फरमाया था कि अगर खदीजा मुझे बुलाए तो मैं जरूर मिल लूंगा। ये बात हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला को किसी तरह पता चली। किसी ने जाकर बता दिया कि अबू तालिब अपने भतीजे अमीन को मुल्क शाम भेजना चाहते हैं। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला का तो खुशी का आई थिंक हाँ सब लोग उनको किसी ने जाकर बता दिया कि अबू तालिब अपने भतीजे अमीन को मुल्क शाम भेजना चाहते हैं। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला का तो खुशी का ठिकाना ना रहा, इसलिए कि मक्का का बच्चा बच्चा हुजूर की नेकी के गुण गाता था। उस वक्त हुजूर की उम्र 25 साल हो गई थी। ये वो वक्त था जब मक्का का कोई शख्स आपका नाम नहीं लेता था बल्कि आपकी सच्चाई आपकी अमानतदारी की वजह से आपका नाम अमीन ही पड़ गया था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने फौरन आपको बुलाया और कहा कि मैं आपकी सच्चाई अमानतदारी और नेकी की शोहरत मैंने बहुत सुनी है, इसलिए मैं आपको अपना तिजारती माल देकर मुल्क शाम भेजना चाहती हूँ और जितना नफा मैं दूसरों को देती हूँ उससे दुगना आपको दूंगी यानी डबल आपको दूंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला की ये ऑफर को कबूल फरमा लिया और जाकर चचा अबू तालिब को ये बात बताई तो चचा अबू तालिब बहुत खुश हो गए और फरमाया कि खुदा ने तुम्हारे लिए रोजी का इंतजाम कर दिया है। जब काफिला जाने का वक्त आया तो हजरत खदीजा ताहिरा रजी अल्लाह तआला ने अपने गुलाम मैसरा को आपके साथ कर दिया और मैसरा से कहा और ताकीद की कि तुम मोहम्मद अमीन के साथ जा रहे हो लेकिन याद रखो उनकी किसी बात की मुखालिफत मत करना, खिलाफ वर्जी मत करना, उनकी हर बात मानना और उनकी राय उनके मशवरे पर ही चलना। मैसरा ने कहा कि ठीक है। उधर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे तो आपके सब चचा आपको रुखसत करने के लिए कुछ दूर तक आए और सब काफले वालों को बुला बुला कर ताकीद की कि सब वो हुजूर का यानी मोहम्मद का ख्याल रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हिफाजत करें। उसके बाद ये मुबारक काफला रवाना हुआ और पहले की ही तरह
एक बादल आ गया जो आप पर साया किए हुए था, ताकि आपको धूप की सख्ती न लगे और आप धूप की सख्ती से महफूज रहे, सेफ रहे। ये मुबारक काफिला मक्का से रवाना हुआ, कई जगह ठहरता चलता आखिर एक दिन मुल्क शाम के सरहदी शहर बुसरा पहुंच गया, जहां पर इस काफिले ने पड़ाव डाला था। उसके कुछ थोड़ी ही दूर पर एक सूखा दरख्त था जिस पर एक भी पत्ता नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने की गर्ज से और टेक लगाने की गर्ज से उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए, तो वो दरख्त अचानक हरा और सरसब्ज शादाब हो गया, उसको पत्ते लग गए और उसने हुजूर पर साया कर दिया। सुभान अल्लाह, जो सात लोग जा रहे थे और जिस जगह ये काफिला ठहरा था वहां पर करीब, मैं तो इमेजिन करता हूं ये चीज, लाइक अगर यहाँ इमेजिन खत्म हो जाती है, पता टू बी ऑनेस्ट अगर सोचिएगा ना, लाइक मैं सोचता हूँ लाइक चल रहे हैं उनके ऊपर बादल चल रहे हैं राइट, और जहाँ बैठे वहाँ पर लाइक जस्ट इमेजिन दी ऑरा, वो बोलते हैं आजकल जो वर्ड चला है ऑरा, जस्ट इमेजिन ना उस टाइम क्या मतलब लोग देखते हो किस तरह उनके साथ चलना पसंद करते होंगे, लाइक जस्ट इमेजिन। भी एक गिरजाघर था, अब वहाँ पर नस्तूर नाम का एक बूढ़ा राहिब रहता था, वो अब काफी बूढ़ा हो गया था। जब नस्तूर को यह मालूम हुआ कि एक काफिला यहां पर आकर ठहरा हुआ है, तो वो नस्तूर नाम का राहिब गिरजा से बाहर आया और आकर सीधा मैसरा से आकर उसने मुलाकात की। मैसरा चूंकि कई बार यहां पर आ चुका था, तो मैसरा और नस्तूर की जान पहचान पहले से ही थी। जब नस्तूर मैसरा के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दरख्त के नीचे आराम करते हुए देखा, तो मैसरा से पूछा कि वो नौजवान कौन है। मैसरा ने कहा कि ये एक कुरैशी नौजवान है। नस्तूर ने कहा कि हमने किताबों में पढ़ा है कि इस सूखे दरख्त के नीचे सिर्फ आखिरी नबी ही बैठने वाले हैं और आखिरी नबी ही आकर वहां पर टेक लगाकर बैठेंगे और वो दरख्त हरा भरा हो जाएगा, उसकी डालियां हरी भरी हो जाएगी। फिर नस्तूरा राहिब ने मैसरा को कुछ निशानियां बताई और पूछा क्या ये सब निशानियां उस नौजवान में है या नहीं, क्या ये सब निशानियां उसमें पाई जाती है या नहीं। मैसरा ने कहा कि हाँ, आपने जितनी सारी निशानियां बताई है सब उस नौजवान में पाई जाती है, मैंने खुद देखी है। नस्तूरा राहिब को ये सुनकर पक्का यकीन हो गया, वो कहने लगा कि हाँ, ये वही आखिरी नबी है, वही नबी आखिरुज़्ज़मा है, काश मैं उनके ज़हूर का जमाना देख सकूं, यानी वो जब नबी बनने वाले हो मैं काश उनका वो जमाना देख सकूं। उसके बाद नस्तूरा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहरे नबूवत देखी और गवाही दी कि ये वही नबी है जिसका जिक्र हमने तौरात में पढ़ा है। मैसरा इन सब बातों को देखकर हैरान हो रहे थे, और उधर जिस तरह बुसरा के बाजार में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार लेन देन किया और ताजिरों के साथ मामलात और व्यवहार किए जैसा कोई बहुत बड़ा तजुर्बेकार ताजिर और बिजनेसमैन किया करता है, जहां पर लोग धोखा देकर झूठ बोलकर कम तोलकर पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं, दौलत कमाने के चक्कर में होते हैं, वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी से झुकता तोलकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जब हुजूर को किसी से कुछ खरीदना होता तो सामने वाले पर छोड़ देते, जब देना होता तो झुकता तोल कर देते, माल में अगर कोई ऐब होता तो बता कर देते, और ये भी कहते कि अगर आपको पसंद ना आया तो हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, हम वापस भी ले लेंगे। तो सारा बाजार हैरान था, और इस कदर नफा हुआ, इस कदर मुनाफा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसी वजह से मैसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मोहम्मद, हम खदीजा के लिए 40 साल से तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मगर इस बार जो हमको नफा हुआ, जितना मुनाफा हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, उतना कभी भी नहीं हुआ, वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ और आपके जरिए हुआ।
मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी खुश अखलाकी देखकर और उधर नस्तुरा की उस राहिब की बातों को याद करते हुए इन सारी बातों की वजह से मैसरा के दिल में हुजूर की बेपनाह मोहब्बत इज्जत प्यार पैदा हो गया। यहां तक के इन सब बातों की वजह से मैसरा को ऐसा लगने लगा कि वो खदीजा का नहीं यानी हजरत खदीजा का नहीं बल्कि हुजूर का गुलाम हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तिजारती सफर और इस बिजनेस टूर से खूब मुनाफा हुआ खूब फायदा हुआ जिससे हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला की तिजारत और बिजनेस को खूब तरक्की हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारा माल क्या सारा माल अच्छे नफे पर बेच दिया और बहुत सारा नया माल खरीद भी लिया। अब वापसी का वक्त आया आप जबरदस्त मुनाफे के साथ मक्का के लिए रवाना हुए। आखिर चलते चलते ये काफला मुर जोहरान या जोहरान तक पहुंच गया। ये मक्का और अस्फान के बीच एक जगह का नाम है। क्या नाम बोला जगह का? यहाँ पहुंचकर मैसरान का ये काफला मुर जोहरान या जोहरान तक पहुंच गया। ये मक्का और अस्फान के बीच एक जगह का नाम Zohran Islam Zohran location is the capital city in Iran Iran okay Zohran okay abhi I think change na ho gaya hoga wo city in Iran not Islam maybe nahi ye wo nahi hai नाम है जोहरान। आखिर चलते चलते ये काफला मुर जोहरान या जोहरान तक पहुंच गया। ये मक्का और अस्फान के बीच एक जगह का नाम है। यहाँ पहुंचकर मैसरा ने हुजूर से कहा कि मैं यहाँ कुछ काम के लिए रुक रहा हूँ, आप आगे जाकर मक्का पहुंच जाएं और खदीजा को इस जबरदस्त मुनाफे की खुशखबरी सुनाएं जो आपके जरिए हुआ। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा को वहीं पर छोड़कर मक्का के लिए रवाना हुए। दोपहर के वक्त आप मक्का में दाखिल हुए। जिस वक्त आप मक्का में दाखिल हुए उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अपने घर के एक खिड़की में बैठी हुई थी। उनके साथ कुछ और औरतें भी थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक सवार तेजी से ऊंट के ऊपर दौड़ते हुए चला आ रहा है और एक फरिश्ता उस सवारी के ऊपर साया किए हुए है। हजरत खदीजा ने ताज्जुब से ये मंजर देखा और दूसरी औरतों को भी दिखाया और सब ने मिलकर उस सवार की शान को देखा और हैरान रह गई। कुछ ही देर के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के मकान पर पहुंच गए। अपने सफर का हाल बताया और जो नफा हासिल हुआ था वो बताया, पूरी कारगुजारी सुनाई। इस बार नफा प्रॉफिट दुगना था, डबल था जो हजरत खदीजा को हासिल हुआ था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके दिल में हुजूर के लिए इज्जत और बढ़ गई। उधर जब मैसरा मक्का पहुंचे तो उन्होंने हजरत खदीजा को अपने सफर की पूरी रुदात सुनाई कि हमने किस तरह सफर में अजीब अजीब बातें देखी, अंधेरी रातों में रोशनी हो गई, मोहम्मद की बरकत से सूखे पेड़ हरे भरे हो गए जैसे किसी ने आबे हयात छिड़क दिया हो और एक बादल ने हमेशा मोहम्मद के ऊपर साया किए हुए था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नस्तुरा ने क्या क्या देखा, क्या क्या कहा और किस तरह आपने एक तजुर्बेकार बिजनेसमैन की तरह बिजनेस किया, तिजारत की और इस छोटे से सफर में आपने मुल्क के शाम के बाजार में अपने शान के झंडे गाड़ दिए, अपने ईमानदारी के झंडे गाड़ दिए और मुल्क के शाम के लोगों के लिए और बाजार के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक मिसाल सेट कर दी। ये सारी बातें सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला के दिल की कैफियत बदल गई। हुजूर के लिए उनके दिल में एहतराम इज्जत मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। चूंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला बेवा थी, मालदार जरूर थी मगर दिल की दुनिया वीरान वीरान सी थी। अफसरदा गमगीन तमन्नाएं मुरझाए हुए एहसासात, अचानक दिल से आवाज आई कि ऐ खदीजा क्यों ना मोहम्मद को इस वीरान और सूखे दिल में मेहमान बना लिया जाए ताकि यहाँ की दुनिया भी हरी भरी हो जाए।
सरसब्ज और शादाब हो जाए। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। लगा ही था मुझे लगा ये वाला पार्ट भी अगले में आएगा। नहीं नहीं रुको रुको, पहले लिखते हैं कि 25 एज, ओके, प्रॉफिट मोहम्मद, ओके, मीट कदीजा। स्पेलिंग इग्नोर करना गाइस, मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि मुझे समझ आए, आपके लिए नहीं, जस्ट मेरे के लिए, ओके। नहीं वैसे इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, पार्ट 10 में इतना पता लगा। वो वाला मीट लिख दे, MWT। ले यार मिले ओके हमारे लिए ना, ये जस्ट फॉर अस, ओके ओके, दिस इज फॉर अस, ओके, सो इट इज अ गुड पार्ट। थैंक यू गाइस। और मैं बताऊँ मेरा मन क्या कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट, इतना मुझे इस वीडियो में मजा आ रहा है, लाइक द थिंग इज लाइक मैं डेली जाना मैं चाहता हूँ दो तीन पार्ट करूँ, सिर्फ मजा नहीं है उसमें, बट मैं सोच रहा हूँ ना, देख मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, डेली की उसको समझे जो मैंने आपसे डिस्कस किया था लाइव चैनल वाला, मैं चलो लेट इट, मैं जब ये बात करेंगे बाद में बात करेंगे, बट ये बाद में, क्योंकि हम लोग सोच लेते हैं बाद में, फिर वो चीज़ होती नहीं है, फिर आप लोग डिसअपॉइंट हो जाते हो, नहीं होगा, जब करेंगे तभी आपको बताएंगे सरप्राइज। बट आज के लिए कर बात, टू बी ऑनेस्ट इट्स अ गुड वीडियो, और जितना बात आज लाइक मुझे अभी से पहले तक पता रहा, लाइक खदीजा से उनकी शादी हुई, इनकी एज इनसे ज़्यादा थी, और वो डाइवोर्स उनका आई थिंक डाइवोर्स या फिर विधवा, राइट, दो वर्ड बोल सकते हैं, वो दो बार हो चुका है, राइट, दो बार विधवा की उनके दो बार पतियों का इंतकाल हो चुका है, मर गए हैं। लेट मी चेक, ओके, इसमें भी हम देख ही लेते हैं, हाउ मैनी मैरिजेस, खदीजा बिन वाले द फर्स्ट वाइफ ऑफ इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद इज बिलीव टू बी मैरिड 3 times, यस, द टू बिफोर प्रॉफिट, बिफोर मैरिंग प्रॉफिट मोहम्मद, ओके, फर्स्ट मैरिज विच प्रोड्यूस्ड अ डॉटर नेम हिंदा, ओके, इनका ओए एक सेकंड, यहाँ ये भी तो पॉइंट है, दो बार नहीं तीन बार, थ्री टाइम्स बिफोर, नहीं, द फर्स्ट, द फर्स्ट wife of Islamic prophet Muhammad, हाँ हाँ, is believed to have been married 3 times before marrying, oh okay, sorry, मैंने देखा नहीं, अच्छा खदीजा थर्ड एंड फाइनल में, नहीं 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 है ना, वो ऊपर गलत समय लिखा है, बिफोर मैरिंग लिखा है, थ्री मैरिड 3 times बिफोर, हाँ ऊपर सेंटेंस लग रहा है, बट यहाँ पे लिखा है ना, द फर्स्ट आई थिंक दिस वन खदीजा फर्स्ट मैरिज विच प्रोड्यूस अ डॉटर नेम हिंदा, द सेकेंड खदीजा सेकेंड मैरिज विच प्रोड्यूस टू सन्स नेम हाला एंड हिंद, थर्ड इज मोहम्मद खदीजा, थर्ड एंड फाइनल मैरिज विच हैज एंड द प्रोड्यूस डॉटर एंड टू सन्स, खदीजा वॉज वेल्थी वेल्दी विडो एंड द डॉटर ऑफ मेरे चांड, लाइक उस टाइम के अमीर लोग थे, शी वॉज ऑल्सो नोन एज बींग पिकी एंड टर्निंग डाउन मैनी मैरिज प्रपोजल, ओके, मोहम्मद वॉज इम्प्रेस्ड बाई खदीजा स्किल्स एंड खदीजा वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाई मोहम्मद वे ऑफ डीलिंग इन बिजनेस एंड देयर नेचर, ओके, मैनेजिंग हर प्रपोज टू हर द कपल मैरिज अराउंड 595 उनको प्रपोजल आया, कमॉन मैन, राइट, द कपल मैरिज अराउंड टू हर, द थिंग इज मुझे पूछना है ना, लाइक जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो डॉटर्स थी या फिर उनके जो बेटे थे, सो जो खदीजा इनके बेटे थे उनको एज अ कैसे, मतलब इनको कैसे ट्रीट किया, जिनका नाम जैसे हिंदा, राइट, हाला एंड हिंद, ये जो थे, मे बी उनका इस स्टोरी में मे बी पता चल जाए, मतलब हाँ ये इसमें पता चल जाएगा, बट आपको लगता है ये चीज़ मतलब एज उनमें आएंगे, इनके नाम भी थोड़े एज उच्च में आएंगे, बिकॉज खदीजा का नाम आई थिंक प्रॉफिट मोहम्मद के बाद हुआ है, और उनके पहले भी इनका नाम था, एज ऐसे नॉर्मल ह्यूमन थे, तो नहीं कह सकते, मुझे लगता है शायद बाद में हुआ, ये कमेंट्स में ये आप सबके लिए क्वेश्चन है गाइस, आज का ऑब्वियसली होगा क्योंकि वो बहुत अमीर थी, बट नहीं नहीं उस वे अमीर की नहीं बात कर रहा मैं, इन इस्लामिक जो एक वैल्यू रखते ना प्रॉफिट जितने भी थे उन सब की, उनकी फैमिलीज की एक वैल्यूज, राइट, जिनसे इस्लाम रिलेटेड है, खदीजा लाइक मुझे सर मुझे गाइस मुझे पता नहीं खदीजा मतलब बोलना सही लग रहा वर्ड, ये उनके नाम के आगे या पीछे कुछ लगाना है, आप कमेंट्स में बता सकते हो, वी आर गिविंग फुल रिस्पेक्ट टू हर नेम, जस्ट पता नहीं है हमें, जो आप इसलिए बताते हैं, बस मुझे पूछना है कि उनके जो पहले बेटे या उनकी जो लाइक बेटे थे, सो उनकी इस्लामिक इस्लाम में कोई उनकी कोई ऐसी हिस्टोरिक मोमेंट है जो हम सुन सकें, या फिर वो उनका इस्लाम में कुछ मेंशन है, कमेंट्स में बताएं, okay, yes. So yeah guys, it's a good video, it's a long, yes, video, sorry guys, but sorry, yeah, it's enjoyable, man. Yes. Enjoyable. Peace yeah. out.